अतिरिक्त उपायुक्त अंकिता चौधरी ने परिवार पहचान पत्र से संबंधित की प्रेस वार्ता। बीपीएल से जुड़ी सभी समस्याओं का तत्काल किया जा रहा है समाधान। मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार जो कटे हुए राशन कार्ड हैं, सरकार द्वारा उनको भी इसी महीने ही दिया जाएगा पूरा राशन। एडीसी ने कहा अभी तक 3000 शिकायतें मिल चुकी हैं, 1500 शिकायतों की वेरिफिकेशन की जा चुकी है। एडीसी ने कहा किसी भी सीएससी सेंटर पर कोई पैसे मांगता है इस संदर्भ एडीसी ऑफिस में संपर्क कर सकता है। अगर कोई सीएससी सेंटर वाला पैसे मांगता पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी, उसकी सीएससी ब्लॉक कर दी जाएगी। हरियाणा सरकार ने टोल फ्री नंबर 1800-1802087 अथवा 1967 पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आय के सत्यापन हेतु क्रीड ने भी हेल्पलाइन नंबर 0172-396-8400 जारी किया है। जी अभी सरकार ने जो है बीपीएल कार्ड बनाने के लिए उसको पीपीपी से लिंक किया है, तो जिसकी भी आय जो है 1,80,000 से कम वेरीफाई हुई है उनको बीपीएल कार्ड के लिए पात्र पाया गया है। तो इसकी वजह से कुछ लोगों को है जिनके बीपीएल कार्ड हैं वो कट गए हैं, उनको परेशानी हो रही है, तो उसी के लिए जो है आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। तो ऐसे लोगों के है जो समस्याएँ जो आ रही हैं उनका समाधान किया जा सके, उसके लिए हमने हमारे यहाँ पे जिला स्तर जो एडीसी ऑफिस है यहाँ पे भी हमने काउंटर्स लगाए हैं। हर ब्लॉक बीडीपीओ ऑफिस में भी काउंटर्स लगाए गए हैं। तो ऐसा कोई भी अगर है फैमिली जिसको ऐसा लगता है कि उनका बीपीएल कार्ड जो है वो गलत कट गया है या उसके पात्र हैं या वो अपनी इनकम को दोबारा से वेरीफाई करवाना चाह रहे हैं, ऐसे लोग जाकर अपने यहाँ पे जो काउंटर्स हमने लगे हुए हैं यहाँ पे अपनी ग्रीवांस रजिस्टर करवा सकते हैं। वो अपने अटल सेवा केंद्र पे भी करवा सकते हैं, वरना grievance.edisha.gov.in जो है आईडी पे जाकर भी वो अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ऐसी सारी शिकायतों का जो निवारण है वो हम 15 दिन के अंदर अंदर करवाएंगे, और ताकि उनको जो अगले महीने में जो भी पात्र बनते होंगे उनको उनके बीपीएल कार्ड से जोड़ा जाएगा। ठीक है जी, इसके लिए हम अपना एक हेल्पलाइन नंबर भी दे रहे हैं। इनकेस अगर हमारे किसी काउंटर पे आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो आपको बार बार चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। एडीसी ऑफिस का हेल्पलाइन नंबर आपको दिया जाएगा, वहाँ पे हमारे एक्सपर्ट्स बैठेंगे, उससे भी आप डायरेक्टली डील कर सकते हैं। वरना हेल्पलाइन नंबर हमारे हेडक्वार्टर चंडीगढ़ के भी हैं, क्रेडिट डिपार्टमेंट का भी है, किसी भी हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके सारी जानकारी इसमें ले सकते हैं। अभी तक कितनी पिछले 15 दिनों में हमें लगभग 3000 कंप्लेंट्स जो हैं इसके रिगार्डिंग हमें मिल चुके हैं। कितनी कंप्लेंट चार में से लगभग हम 1500 कंप्लेंट्स को अभी डील कर चुके हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस भी आए थे जो कि उसमें पात्र नहीं थे, उनका उसको कारण भी बता दिया गया है कि आपका इस वजह से काटा गया है। जैसे बहुत सारे लोगों का है उन्होंने आईटीआर भरी हुई है तो इसलिए उनकी इनकम 1,80,000 से ज़्यादा वेरीफाई हुई है। कुछ लोग ऐसे थे जिनका जी ऑक्यूपेशन इंडस्ट्रियल लेबर है या प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हैं, वो चाह रहे थे कि उनको बीपीएल बन जाए, तो उनको बता दिया गया है इनकेस अगर वो अभी एम्प्लॉयड नहीं है या फिर उनका एम्प्लॉयमेंट चेंज हो गया तो पहले वो अपना ऑक्यूपेशन जो है उसको ठीक करवाएं, उसके बाद उनकी इनकम दोबारा से वेरीफाई। कुछ मामले ऐसे भी इसमें अगर कोई अलग रह रहे हैं तो उनके लिए स्प्लिट फैमिली का ऑप्शन है। अलग फैमिली बनाने का एक जो क्राइटेरिया सरकार ने डिसाइड किया है वो इलेक्ट्रिसिटी मीटर के हिसाब से किया है। अगर एक ही घर में दो परिवार अलग अलग रह रहे हैं और उनका इलेक्ट्रिसिटी मीटर अलग लगा हुआ है तो हम उनको अलग सेपरेट फैमिली कंसिडर करेंगे, उनको स्प्लिट कर देंगे और उनकी इनकम फिर उनके मेंबर्स जितने होंगे उस फैमिली में उस आधार से निकाली जाएगी। इन केस अगर फिर भी कोई ऐसे जेन्युइन केसेस हैं जिनका मीटर भी वो अलग नहीं करवा सकते, ऐसे स्पेशल केसेस हैं वो मेरे पास रेफर कर दें, हम उनका फिजिकल वेरिफिकेशन। जी अभी सरकार ने जो है बीपीएल कार्ड बनाने के लिए उसको पीपीपी से लिंक किया है, तो जिसकी भी आय जो है 1,80,000 से कम वेरीफाई हुई है उनको बीपीएल कार्ड के लिए पात्र पाया गया है। तो इसकी वजह से कुछ लोगों को है जिनके बीपीएल कार्ड हैं वो कट गए हैं, उनको परेशानी हो रही है, तो उसी के लिए जो है आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। तो ऐसे लोगों के है जो समस्याएं जो आ रही हैं उनका समाधान किया जा सके, उसके लिए हमने हमारे यहाँ पे जिला स्तर जो एडीसी ऑफिस है यहाँ पे भी हमने काउंटर्स लगाए हैं। हर ब्लॉक बीडीपीओ ऑफिस में भी काउंटर्स लगाए गए हैं। तो ऐसा कोई भी अगर है फैमिली जिसको ऐसा लगता है कि उनका बीपीएल कार्ड जो है वो गलत कट गया है या उसके पात्र हैं या वो अपनी इनकम को दोबारा से वेरीफाई करवाना चाह रहे हैं, ऐसे लोग जाकर अपने यहाँ पे जो काउंटर्स हमने लगे हुए हैं यहाँ पे अपनी ग्रीवांस रजिस्टर करवा सकते हैं। वो अपने अटल सेवा केंद्र पे भी करवा सकते हैं, वरना grievance.edisha.gov.in जो है आईडी पे जाकर भी वो अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ऐसी सारी शिकायतों का जो निवारण है वो हम 15 दिन के अंदर अंदर करवाएंगे,
और ताकि उनको जो अगले महीने में जो भी पात्र बनते होंगे उनको उनके बीपीएल कार्ड से जोड़ा जाएगा। ठीक है जी, इसके लिए हम अपना एक हेल्पलाइन नंबर भी दे रहे हैं, इनकेस अगर हमारे किसी काउंटर पे आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो आपको बार बार चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। एडीसी ऑफिस का हेल्पलाइन नंबर आपको दिया जाएगा, वहाँ पे हमारे एक्सपर्ट्स बैठेंगे, उससे भी आप डायरेक्टली डील कर सकते हैं। वरना हेल्पलाइन नंबर हमारे हेडक्वार्टर चंडीगढ़ के भी हैं, क्रेडिट डिपार्टमेंट का भी है, किसी भी हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके सारी जानकारी इसमें ले सकते हैं। अभी तक कितनी पिछले 15 दिनों में हमें लगभग 3000 कंप्लेंट्स जो हैं इसके रिगार्डिंग हमें मिल चुकी हैं। कितनी कंप्लेंट? 4 में से लगभग हम 1500 कंप्लेंट्स को अभी डील कर चुके हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस भी आए थे जो कि उसमें पात्र नहीं थे, उनका उसको कारण भी बता दिया गया है कि आपका इस वजह से काटा गया है। जैसे बहुत सारे लोगों का है, उन्होंने ITR भरी हुई है तो इसलिए उनकी इनकम 1,80,000 से ज़्यादा वेरीफाई हुई है। कुछ लोग ऐसे थे जिनका जी ऑक्यूपेशन इंडस्ट्रियल लेबर है या प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हैं, वो चाह रहे थे कि उनको BPL बन जाए, तो उनको बता दिया गया है इनकेस अगर वो अभी एम्प्लॉयड नहीं है या फिर उनका एम्प्लॉयमेंट चेंज हो गया तो पहले वो अपना ऑक्यूपेशन जो है उसको ठीक करवाएं, उसके बाद उनकी इनकम दोबारा से वेरीफाई। कुछ मामले ऐसे भी इसमें अगर कोई अलग रह रहे हैं तो उनके लिए स्प्लिट फैमिली का ऑप्शन है। अलग फैमिली बनाने का एक जो क्राइटेरिया सरकार ने डिसाइड किया है वो इलेक्ट्रिसिटी मीटर के हिसाब से किया है। अगर एक ही घर में दो परिवार अलग अलग रह रहे हैं और उनका इलेक्ट्रिसिटी मीटर अलग लगा हुआ है तो हम उनको अलग सेपरेट फैमिली कंसिडर करेंगे, उनको स्प्लिट कर देंगे और उनकी इनकम फिर उनके मेंबर्स जितने होंगे उस फैमिली में उस आधार से निकाली जाएगी। इन केस अगर फिर भी कोई ऐसे जेन्युइन केसेस हैं जिनका मीटर भी वो अलग नहीं करवा सकते, ऐसे स्पेशल केसेस हैं वो मेरे पास रेफर कर दें, हम उनका फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। जरूर क्यों नहीं डालें, काउंटर्स तो हमने यहाँ लगा रखे हैं, यहाँ अगर आप साथ वाली बिल्डिंग में देखें, बाकी हर BDPO ऑफिस में भी हमने काउंटर लगा रखा है। आप कॉर्पोरेशन ऑफिस में जाएंगे वहाँ पे भी काउंटर है, कमिटीज में हर जगह हमारे काउंटर है, हर ब्लॉक में डिपार्टमेंट है, वो वेरिफिकेशन करेगा जो नए एड उनमें से अगर उस वेरिफिकेशन के बाद ऐसे नाम आते हैं सामने जिनका की गलत वेरीफाई हुए फिर जो जिन्होंने गलत वेरीफाई किया उनके खिलाफ कार्रवाई। उन्होंने खुद बोला है की हम डिजर्विंग नहीं है, हमारा कार्ड भी और उनके कट भी रहे, ऑप्शन सरकार ने दिया है, वो खुद जाके अपने आप को डिक्लेयर कर सकते हैं कि हम नहीं डिजर्व करते हैं, हमारा ऐसा भी आ जाएगा। फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट करेगा, वो हमें बता देंगे कि जी इनकम गलत वेरीफाई हुई है या एक्सक्लूजन में भी इनका नाम नहीं है, फिर हम देखेंगे उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। जिनको अब हमें रिजेक्शन में डालना था तो बाकी जो 4 केसेस बच गए हैं उनमें 2 में क्या था कि उनका कुछ फैमिली डिस्प्यूट था, वो OTP शेयर नहीं कर रहे थे, जो फैमिली हेड ऑफ द फैमिली थे तो इसलिए वो प्रिंट नहीं हो पा रहे थे। 2 केसेस ऐसे थे कि उनका जो है उन्होंने अपनी इनकम के लिए रीवेरिफिकेशन की रिक्वेस्ट डाला। राशन कार्ड तो वो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया शुरू किया है। बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि उन्होंने पहले कोई ITR फिल कर रखी है, वो अपनी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की, ना लोकल कमेटी को डिस्क्लोज करी ना सेक्टर, वो इंडस्ट्रियल लेबर है तो सरकार क्या ये रूल है कि मिनिमम वेज से कम तो कोई भी पे नहीं करेगा। जब तक पूरा फिल्टर सिस्टम पूरा ठीक नहीं हो जाता, एक भी लास्ट पर्सन भी आके अगर ये कहेगा कि मेरे को अभी भी इशू है, मेरी अभी दोबारा चेक करिए, हम तब तक उसके चेक करके जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाते हम उनको चेक करेंगे। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे भी आ रहे हैं जो महीने का 9000 बिजली का बिल भर रहे हैं। अब आप बताइए किसी के घर में अगर कोई 9000 का बिजली का बिल भर रहा है तो क्या वो BPL कार्ड अगर उसके घर में AC चल रहा है, उसके घर में हीटर चल रहा है, उसके घर में गीजर चल रहा है तो क्या वो BPL कार्ड डिजर्व करता है? ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।